होशंगाबाद भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा भाजपा जिला कार्यालय के सामने वाणिज्य मंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कमलनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगे। इस अवसर पर पूर्व खनिज निगम अध्यक्ष शिव चौबे ने कहा कि तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए चीन के माल के आयात शुल्क पर भारी कटौती करके चीन को लाभ पहुंचाया। देश के कुटीर लघु उद्योगों और व्यापार को चौपट करने का अपराध किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से कांग्रेस ने दलाली खाई। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोहर बड़ानी ने कहा कि सोनिया गांधी के परिवार और कमलनाथ की जुगलबंदी ने भारत को पूर्वोत्तर देशों के संगठन RCEP में शामिल होने के लिए मजबूर किया। इस पुतला दहन में कार्यालय प्रभारी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। होशंगाबाद से अनिल यादव की रिपोर्ट। कुछ दिनों से देख रहे हैं कि चीन अपनी मनमानी कर रहा है सीमा के ऊपर, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता, उनका चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश स्तर पे उनका नेतृत्व हो, लेकिन कोई भी चाइना के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा, बल्कि अपने ही देश के खिलाफ तमाम तरह की बातें अनर्गल प्रताप कर रहे हैं। और पूर्व में जब कमलनाथ जी वाणिज्य मंत्री थे तो उन्होंने लगभग देश के हमारे सभी उद्योगों को चाइना के हाथों गिरवी रख दिया। अगर ऐसा भी कहा जाए कि ठीक है उस समय परिस्थितियों के अंतर्गत उन्होंने किसी भी तरह की डीलिंग की, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए कम से कम कांग्रेस को अगर कोई डील भी की है तो उसको कैंसिल करने के लिए खुद आगे आना चाहिए था, जबकि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। और हम देखते रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से चाहे गांधी परिवार हो, एक बड़ा अमाउंट जो है राजीव गांधी फंड के लिए चाइना ट्रांसफ़र करता रहा है, और अभी भी उनके जो नेता हैं अभी भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अपने ही देश के खिलाफ खड़े हुए हैं। पुतला दहन मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का पुतला दहन किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। नेतृत्व हमारे सम्माननीय शिव चौबे जी कर रहे थे। पुतला दहन इसलिए किया गया कि वाणिज्य कर और उद्योग मंत्री जब कमलनाथ जी थे, उन्होंने चीन के साथ ऐसी संधि की जिससे छोटे छोटे उद्योग उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ जी का आज शिव चौबे जी के नेतृत्व में पुतला दहन किया है।